भाभी बोल रही हूँ, हमें पता नहीं है कि हमारा वासिद भैया किधर गया, उनको पता नहीं किडनैप किया गया है या किसी एजेंसी ने उठाया है। हम हर एक से अपील नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं, भीख में मांगते हैं कि हमारे हिलाल वासिद को घर भेज दीजिए, क्योंकि इस वजह से हमारी सारी फैमिली सफर हो रही है। तो इनके भाई को 9 स्टिचेस आई है, क्योंकि वो मानता ही नहीं है घर उतरना नारा नाक से। अभी तक 20 दिन से वो उधर ही है, बोलता है कि तब तक मैं घर नहीं आऊँगा जब तक मैं हिलाल को साथ नहीं लाऊंगा। उनकी मासी जो उनकी माँ जैसी है, उनका कल फ्रैक्चर हो गया है, वो घर में प्लास्टराइज्ड है, उनकी टांग सारी टूट गई है इस डिप्रेशन से, क्योंकि र्यूमर्स आती है कि वो एनकाउंटर में है, उनको कुछ किसी ने मारा है, कुछ ऐसा हो गया है। प्लीज प्लीज, हम उन सारे एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं, भीख मांगते हैं कि हमें हमारा हिलाल भाई वापस दे दीजिए, उसे लौटा दीजिए, जिसके पास भी है वो, जहाँ कहीं पे भी है वो, उसको वापस भेज दीजिए, क्योंकि उसके साथ साथ वो खाली वो नहीं जाएगा, सारी फैमिली टूट जाएगी, बिखर जाएगी, हमारे घर को ताला लग जाएगा अगर वो घर वापस नहीं आएगा। पुलिस का रिपोर्ट है, पुलिस ने बताया कि उन्होंने एचएम ज्वाइन किया, क्या नहीं, हम इसके लिए कभी तैयार नहीं है। आईजीपी के पास उसको किडनैप किया गया है या किसी एजेंसी ने उसको उठाया है, हमें कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की है, ये सरासर झूठ है, उन पे इल्जामात लगाए गए हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप कंबरवारी से लेकर पूरे बेमना शहर से पूछ लीजिए कि हिलाल वासिद कैसा लड़का था, गोल्ड मेडलिस्ट है वो, पीएचडी स्कॉलर है वो, ऑर्फन है वो, उनके घर में कोई मैं, उनकी भाभी, उनका भाई और वो है, और कोई नहीं है हमारी फैमिली में। हमारा इंसाफ कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, हमें उसको भीख में दे दीजिए, भीख में दे दीजिए, हम भीख मांगते हैं उन एजेंसीज को कि हिलाल वासिद को घर भेज दीजिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया हमारी हेल्प करो, क्योंकि हमारा बुरा हाल है।